हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। हालांकि पूरे इंडिया में जमकर बारिश हो रही है। मतलब कल मैंने अपने भोपाल के जो है, भोपाल मेरा नेटिव प्लेस है, तो मैंने वहाँ के कल फोटोग्राफ वगैरह देखे और इवन विदिशा के, तो वहाँ पर देखा रोड पर जो है वो बोट भी चल रही है। मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि जब जो है थोड़ा भी यदि रेनफॉल ज़्यादा हो जाए तो हमारे शहर के ड्रेनेज की व्यवस्था ऐसी है कि पानी सड़कों पर आता है। ठीक है, जब भी कभी हमें जब डैम में पानी बढ़ता है, हमें डैम खोलना पड़ता है, तो शहर डूब क्षेत्र में आता है। तो एक्चुअली में रीस्ट्रक्चरिंग की बड़ी आवश्यकता है। यदि आप देखें इसमें तो रेनफॉल का होना, जैसे 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 जो है ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा सा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, तो रेनफॉल तो बढ़ेगा। ठीक है, मतलब बढ़ेगा, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। मतलब ये हो गया, टाइमिंग बदल गया। जब बारिश चाहिए होती किसान को तब नहीं होती है, जब नहीं चाहिए होती तो बारिश जमकर बारिश होती है, इवन ओले गिर जाते हैं, ना बड़े बड़े बर्फ के गोले। एक्चुअली जो है अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं, IIT का एग्ज़ाम भी है, नीट का एग्ज़ाम भी है, और कई सारा एरिया जो है वो बाढ़ प्रभावित भी है। तो नेचुरल कैलेमिटी जो है वो तो खैर है एक सिचुएशन वैसा, लेकिन तब भी आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, है ना, और कोशिश कीजिएगा कि आप एग्ज़ाम देने जा सकें, आप ना सेफर साइड रहने की कोशिश रह सकें आप। ठीक है, अब यही कह सकते हैं और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इस पर, लेकिन ये है कि हाँ, चलिए आज हम, ये तो कंटेम्प्रेरी मुद्दा बोला मैंने कि बॉम्बे में भी अभी आज आपने देखा होगा, आज मैं बाहर छत पे आऊँ, अरे बॉम्बे में भी जो है वो दो दिन तीन दिन से लगातार मॉर्निंग में जमकर रेनफॉल हो रहा था, लगातार पानी गिरा था, रात भर पानी गिरा बॉम्बे के अंदर। और बॉम्बे में तो बारिश ऐसी होती है कि बहुत जमकर होती है, जब होगी तो एकदम सडनली होगी और बहुत जमकर होगी। जैसे आप देख सकते हैं पीछे काले बादल कई सारे दिखाई पड़ रहे हैं, इसके बिल्डिंग जो है वो आप पीछे जो देखते हैं वो इंपीरियल टावर सर की, जो मुंबई के ट्विन टावर के रूप में फेमस हैं। ठीक है, एक बड़े बिल्डर है सापुर जी पालम जी, उनका बिल्डिंग है, उन लोगों का बिल्डिंग है ये, तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है एक्चुअली ये। ठीक है, आप लोग पूछते हैं कि सर क्या पीछे बिल्डिंग है, ये एंटीलिया नहीं है, एंटीलिया यहाँ से ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है, एंटीलिया जो है वो मेरे लेफ्ट साइड है, और वो यहाँ पे चूंकि और बड़ी बिल्डिंग है इसके उस तरफ है वो एंटीलिया, और चूंकि हम लोग जो है आइलैंड पे ऊंचाई पर हैं और एंटीलिया थोड़ा सा नीचे जगह पर है, बहुत ऊंचे लोग रहते हैं लेकिन थोड़ा जगह नीचा है, इसलिए ऊपर से व्यू उसका नहीं बन पाता यहाँ से। ठीक है, अदरवाइज इट इज़ हार्डली 500 मीटर्स 500-700 मीटर दूरी पर है। चलिए, तो आज हम एक सबसे बड़ी बात करेंगे कि कई बार दिमाग में सोचने में आता है कि क्या कारण है कि मोस्ट ऑफ दी साइंटिफिक रिसर्च जो है वो 17th century, 18th century और सबसे अधिक 19th century में हुआ। उसके पहले क्या लोग साइंस के बारे में कुछ सोचते ही नहीं थे? मतलब यदि सपोज कि मैं आपसे बोलूं कि 11th century में कुछ बड़ा चीज़ खोजा गया, 10th century में ये खोजा गया, 9th century में ये खोजा गया, तो आप बोलोगे अरे सर ऐसा कुछ सुनने में ही नहीं आता। जो भी हम ईयर देखते हैं वो 1800, 1900 वैसे ही आता है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था धर्म का प्रभाव। ठीक है, जो रिलीजन था उस रिलीजन ने लोगों को ऐसा यकीन कई सदियों तक ये यकीन दिला रखा था कि हम सब कुछ जानते हैं। ठीक है, यानी मनुष्य के पास पूरी जानकारी है, सारी जानकारी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, सारी जानकारी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। मैं केवल बाइबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे धर्म ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। उसमें लोगों को इस बात का यकीन दिलाया गया कि जो भी आपकी ये एसेंशियल जानकारी है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो सदियों से आदमी जो है वो इस बात पर यकीन करता आ रहा था कि बाइबल में जो नक्शे दे रखे थे वो बिल्कुल सही हैं, बाइबल में जो लिखा था साइंस वही सही है। ठीक है, एवरीथिंग, अरे कोई यदि उसके अलावा कुछ बोलता भी था ना तो उसको बोलने को शांत रहिए, अदरवाइज गॉड विल पनिश यू। गॉड के नाम पे उसको पनिश भी कर दिया करते थे। ठीक है, इतिहास गवाह, मैं बातें अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री है एक्चुअली। तो बहुत दिनों तक जो है लोगों को ऐसा लगता रहा कि वो सब कुछ जानते रहे, और जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं ना, यकीन मानिए उस दिन सबसे बड़े अज्ञानी आप होते हैं, क्योंकि आपको जो है उस दिन आप रास्ते बंद कर देते हैं। यदि आपने अपने ज्ञान के खोज के रास्ते बंद कर दिए हैं और आपने अपने आप को सर्वज्ञ मान लिया है, सर्वश्रेष्ठ मान लिया है, तो प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कहता हूँ सब लोगों से, मैं कहता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट, हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मत मानिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं और अपने आप को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि आई एम द बेस्ट, तो उससे क्या होता है कि उससे आप सीखने के रास्ते बंद कर रहे होते हैं। कॉन्फिडेंस का होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का होना बहुत बुरी बात है। ठीक है,
तो हमेशा ऑलवेज इन लर्निंग प्रोसेस। इसे एक डॉक्टर बोलता है कि मैं आई एम प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, मतलब मैं प्रैक्टिस करने वाला फिजिशियन, कभी भी नहीं बोलता वो कि आई एम द एक्सपर्ट फिजिशियन। बाकी दूसरे फील्ड में लोग बोलेंगे कि आई एम द एक्सपर्ट, मैं शेयर मार्केट का एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट इंजीनियर हूँ, मैं एक्सपर्ट टेक्नीशियन हूँ। डॉक्टर बोलता है आई एम प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, ठीक है, वो कभी नहीं बोलता, वो बोलता है मैं प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि उसे मालूम है जिस दिन वो बोलेगा कि मैं एक्सपर्ट डॉक्टर हूँ उस दिन वो सीखना बंद कर देगा, उस दिन उसके मरीजों का इलाज में एडवांसमेंट होना भी बंद हो जाएगा। तो ज्ञान जो है हमेशा वो सोखने की चीज़ है, उठ के और सोखने के लिए आपका सूखा होना जरूरी है। यदि आप पहले से गीले हैं, पहले से ही बहुत कुछ आपने रखा हुआ है, तो अब आप सोख नहीं पाएंगे, कैपेसिटी के ऊपर हो गया उठ के। और ये भी एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है। तो जब 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 17वीं सेंचुरी में, 18वीं सेंचुरी में पहली बार जो है वो, जो कुछ लोगों ने जो है वो बाइबल से या जो धर्म ग्रंथों में लिखा उससे बातों से उन्होंने जो है वो इत्तेफाक ना रखना, पर वो आगे बढ़े। और चूंकि वैसे लोगों की संख्या बढ़ गई थी, इसलिए उनका दमन करना, उनको डरा देना एकदम से पॉसिबल नहीं था। और ये लोग जो है वो साहसी लोग थे, इन्होंने विज्ञान के दृष्टिकोण को समझाने की कोशिश किया कि ये धीमे धीमे बढ़ता गया। और 18वीं सेंचुरी और 19वीं सेंचुरी में ये अपने पीक पर था। और पहली बार जो है इन लोगों ने यकीन दिलाया कि देखो भाई, हम बहुत चीज़ों को नहीं जानते हैं और हमें इसे जानने के लिए पता लगाना पड़ेगा। कि पहली बार अज्ञानता का बोध जो है वो लोगों के अंदर आया। फर्स्ट टाइम जो है लोग जो है वो 17वीं और 18वीं सेंचुरी में लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि हम इंसानों को अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी हम अज्ञानी हैं। जिस दिन इनके अंदर अज्ञान का बोध आया, उस दिन उन्होंने सीखना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया। और जब खोजना शुरू किया, सीखना शुरू किया, उसके बाद अब कहाँ तक हम पहुँचे ये हम जानते हैं। और आने वाले 300 वर्षों के बाद हम कहाँ होंगे, इस बारे में हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि आज 2020 में आप जो के बात कह रहे हैं, आज के यदि 300 वर्ष पहले 1720 में यदि मैं आपको संबोधित कर रहा होता, तो शायद ना टेक्नोलॉजी होती है ना कुछ होता, नहीं कर पाते। आज के 300 वर्षों के बाद क्या होगा वो केवल हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, कि अदरवाइज़ जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमको नहीं पता कि किस तरह दिशा में विज्ञान जो है कहाँ पर हमको इस लेकर जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1720 में उन लोगों को नहीं मालूम था कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अज्ञानता ज्ञान प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। तो यदि आप अज्ञानी हैं, आपको नहीं मालूम कोई चीज़ का, तो उसको लेके कभी भी जो है मन में वो मत रखिए कि अरे लोग क्या कहेंगे, लोग बोलेंगे कि नहीं मालूम हमको। तो ये सब नहीं होना चाहिए, अरे ये होना चाहिए कि आप एक सोखता पेपर, एक ब्लॉटिंग पेपर के समान है, कि नॉलेज मिलेगा ब्लॉट करके अंदर ले लेंगे, नॉलेज मिलेगा अंदर ले लेंगे, वैसा बनिए आप। ठीक है, और आधुनिक विज्ञान पूरा का पूरा इसी तथ्य पे खड़ा हुआ है कि आज हम मंगल ग्रह के बारे में नहीं जानते ज़्यादा, आज हम दूसरे एक प्लेनेट गैलेक्सी के बारे में नहीं जानते ज़्यादा, दूसरे सौरमंडल के बारे में नहीं जानते ज़्यादा, ठीक है दूसरे सोलर सिस्टम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो जानने की कोशिश कर रहे हैं ना हम, और कोशिश करने का मतलब है कि हमें नहीं मालूम है, इसलिए खोज रहे हैं। अपने आप को भी खोजिए, ज्ञान को भी खोजिए, सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कीजिए, सर्वश्रेष्ठ बनने का लगातार प्रयास कीजिए, लेकिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानिए मत। मानिए हमेशा यही कि आप सीख रहे हैं, एंड यू आर ए ग्रोइंग सीड, और आपको एक बड़ा वट वृक्ष बनना है। जो जल्दी मैच्योर होकर बोलता है कि मैं परिपक्व हो गया हूँ, वो घास के समान है, और जो बोलता है कि अभी वृद्धि की असीम संभावनाएँ हैं, वो बड़ा बरगद का पेड़ बनता है। ठीक है ना, तो हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।